मतलब लोगों से खाना जमा करना, ये भिक्षा के बदले हमें ज्ञान भी देना चाहिए बुद्धों से जो मिला हुआ है, कि पांच जगह प्रवचन घन पे जाके प्रवचन कर, उसके बाद हम कुछ मूल उद्देश्य जो उसका था, जो भगवान बुद्ध के समय में भी मूल उद्देश्य का यही था कि हम 5-10 जगह भोजन मांगेंगे, पर्याप्त भोजन मिलने पर वापिस हो आएंगे और इसके बाद उसको बदले में हम धम्म दान देंगे, धम्म की बातें देंगे, उसका उद्देश्य यही था। और भिक्षा मांगने का एक उद्देश्य और होता है कि जब आप किसी से कुछ मांगते हैं इसका मतलब है कि आपकी ईगो डाउन जाती है। ये बौद्ध धर्म का सबसे पहला एक मूल स्टेप है ना, एक कदम है कि आप अगर बुद्धिस्ट हैं, आप दिखाई देते हैं कि बुद्धिस्ट, आपके आचरण से पता लगता है, तो उसमें आप तृष्णाओं से जुड़े ना रहें, आपकी ईगो जो है सेल्फ वाली जो आदत होती है वो डाउन जानी चाहिए। तो जब भिक्षा मांगने जाते हैं उसे हर इंसान के अंदर जो ही एक मैं वाली भावना जो होती है वो खत्म हो जाती है। क्या मैसेज देंगे इस आंदोलन के माध्यम से युवाओं के लिए कि युवाओं को इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए, महिलाओं को जुड़ना चाहिए, सभी लोगों को जो बाबा साहब के विचारक है, बौद्ध धर्म के अलावा और लोग भी इसमें शामिल होंगे जो सही लड़ाई के लिए आपके साथ साथ देने तैयार है? साथियों, इसमें मैं ये कहूँगा कि हम लोग सब जानते हैं कि इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार बहुत तरीके अपना रही है, पैसा भी बांट रही है, व्यवस्था भी कर रही है और उनके लिए उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन मूल विषय ये है कि हमारे देश की व्यवस्था है चरित्र का पतन, नैतिक पतन। जब तक नैतिक पतन नहीं सुधरेगा तब तक कितनी किसी को कितनी भी आप संपत्ति दें उसका कुछ तरीका होने वाला नहीं है। आपके साथ उदाहरण है कि बुद्ध धर्म का सबसे श्रेष्ठ देश है जापान, जो कि दुनिया को चैलेंज कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा मूल मुद्दा है कि उसने किसी पर कोई आक्रमण नहीं किया, जबकि दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं वो आक्रमण करके किसी की सत्ता हासिल करते हैं, उन्होंने पंसिल के माध्यम से वो अपना अस्तित्व जाहिर किया। सबसे गरीब देश भूटान देश है, हमारे बॉर्डर पर है, वो बुद्धिस्ट देश अगर है सबसे गरीब देश भूटान देश है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ये है कि जो भाइयों में जो भी चीज़ है वो मिल बाँट के खाना है। ऐसा नहीं है कि एक भाई ने सारी संपत्ति हड़प ली, या एक पत्नी का पति खत्म हो गया है तो पत्नी को घर से निकाल दो, उसकी को सारी उसकी संपत्ति हड़प लो, ये व्यवस्था बुद्ध की शैली नहीं है, ये शैली दूसरे लोगों की है। हमारी शैली ये है कि जितना पैदा करो सब लोग मिलके पैदा करो, सब लोग मिलके खाओ पियो और जो हिस्से बांट में आ जाए उसी में प्रसन्न रहो, ये बुद्ध का पंसील का एक आधार है।